हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम टिश्यू वाले जो पोर्शन में स्टार्ट किए थे, नर्वस टिश्यू। एक्चुअली ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अभी हम टिश्यू ही लेवल पर पहुंचे हैं तो हमारा सिस्टम एक्चुअली गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आप मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा? नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू को हमें आज पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में पूरे माइंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टिश्यू के बारे में, कैसे एक मैसेज जो होता है, एक सेल के बारे में, सेल की जब ग्रुपिंग होती है तो उसी के बारे में हमें पढ़ना, टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू हम आज स्टार्ट करेंगे। आपके लिए एक प्यारा सा लेक्चर बनाएंगे, छोटा सा और बढ़िया सा। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे जितना स्टार लगा लें, रेड पेन कहाँ भाई, आ जा तू, कहीं नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, जितना हम स्टार लगा दें उतना कम है। ठीक है, स्टार ऐसे आप लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सेपरेट टिश्यू वाला सिस्टम है, कौन, नर्वस सिस्टम, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। आपका पॉइंट पढ़ना और समझाना हमारा कर्तव्य है, इसी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, दीज टिश्यू आर स्पेशलाइज टिश्यू विच सर्व टू ट्रांसमिट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंड टू अनदर इंड ऑफ द बॉडी। क्या कहने का मतलब, क्या करता है, जैसे मारते कोई बरियारे पीट दे, आए कोई मारे भड़ाक से, अबे भोसड़ी मारे कहाँ है बे, ऐसा बोलते हैं ना, तो हम कैसे जान जाते हैं कि वो बोला है ना, यानी मारा है, तो हम द्वारा हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा सेल होगा जो एक जगह से इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक ले जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर मच्छर है, अरे मच्छर है, मच्छर ऐसे मार देते हैं, मर जाता है, मर जाता है, तो कैसे हमें पता चलता है कि मच्छर बैठा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इंड से दूसरे इंड पर इन्फॉर्मेशन जो ले जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू होता है, जिसे नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस ट्रांसमिशन अकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। ये क्या करते, ऐसे नहीं कि जैसे लो भैया है भाई मैसेज जो उनके फोन पहुंचाइए और उनसे बोल दिए बराते में आ जाइए पूरी सब्जी खाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या करते हैं कि इसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में, हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ अकर फॉर्म आप इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के जरिए मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर कैरी करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गुजारा, नर्वस टिश्यू डू नॉट डिवाइड आफ्टर देयर फॉर्मेशन, मतलब एक बार यदि नर्वस टिश्यू फॉर्मेशन हो गए तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है, नर्वस टिश्यू को सबसे लॉन्गेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी में बोला जाता है। लगभग कितना होता है, कितना होता है, कितना वाला हो मर्दे बतावा, 1 मीटर। ठीक है, जब सेल पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं 1 मीटर लंबे होते हैं। ठीक, चलिए कोई ना, यानी सबसे, देखो कहते हैं डिवाइड नहीं करते हैं, नर्वस टिश्यू आर फॉर्मेड बाई ए स्पेशलाइज सेल कॉल न्यूरॉन। अब देखिए, हर एक सेल, जैसे हड्डी किस सेल का बना वो भी बताया गया, मसल किस सेल का बना वो भी बताया गया, यानी कार्डियक मसल किस सेल का बना वो भी बताया गया, यानी नर्वस टिश्यू किससे, किस सेल से बना है उसे बताया गया, क्या, न्यूरॉन बताया गया। ठीक है, न्यूरॉन दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा है, ठीक, न्यूरॉन बताया गया। उसके बाद क्या दिए तुमसे बताया गया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नर्वस सेल जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं रिप्रेजेंट अ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत रखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट वर्ड देखा जाता है। देखो, लॉन्गेस्ट सेल हमारे होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये था इसके बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ से हम स्ट्रक्चर और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, छोटा सा डायग्राम प्यारा सा बनाए हैं। ठीक, ऐसे इजी वीजी वे में डायग्राम बनाया जाता है, इतना नहीं बना दे कि जो हमें याद ही ना हो, दो चार वर्ड याद होना चाहिए, जो सटीक सटीक पॉइंट हो उसी को हम क्या करते हैं, डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी स्ट्रक्चर इसका कितना, कैसे होता, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन देखा जाए तो क्या होती है, अब जैसे यहाँ से आप एरो करके क्या लिख दीजिएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी और कार्यात्मक तथा इकाई होती है, ठीक, कौन, न्यूरॉन होता है। ठीक, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पोर्शन होता है, एक हमारा साइटॉन जो आपका ये वाला पोर्शन है, एक हमारा एक्जॉन जो ये वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ गया एक्जॉन। अब इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
उसके बाद हम आपको बाय बोलेंगे, ठीक है? बाय बोलेंगे, जैसे यार प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही हैं, ठीक? प्यार मोहब्बत नहीं है, ऐसे इजी वे में पढ़ा जाएगा, ठीक है? ठीक, अब देखिए क्या दे रखे हैं इसके बारे में। देखो साइटान क्या होता है, इट इज द मेन बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन देखा जाए हमारी क्या होता है, मेन बॉडी होती है किसके, न्यूरॉन का। किसे बोला जाता है, साइटान बोला जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, साइटान यहाँ लिख सकते हो, साइटान इज द मेन बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे थे, इट इज ए सराउंडेड बाई ए थिन सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके एक सेल मेम्ब्रेन, पतली सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, पतली सेल मेम्ब्रेन होती है। उस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट अ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी न्यूरोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर जो भी ये प्लाज्मा पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिखाया नहीं गया जी, यहाँ से हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर जो भी लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए, इट कंटेन ए ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर एक क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। देखिए यहाँ बीच में न्यूक्लियस बना है, ट्रू न्यूक्लियस कामा फाइन फाइबरिल कामा माइटोकांड्रिया कामा गाल्जी बॉडी एन अदर सेल ऑर्गेनिल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, तो सारा सारा जो सेल ऑर्गेनिल रहेगा इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यही आपके सामने ये लिख दिया गया। उसके बाद क्या कहा है, माइटोकांडिया हो गया, ठीक। इट इज ऑल्सो कंटेन सम ग्रेन्यूल कॉल्ड नील ग्रेन्यूल, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल, मतलब क्या होते हैं, ऐसे मोती नुमा संरचना होती है, ऐसे मोती नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नील्स ग्रेन्यूल, नील्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। नील्स नामक वैज्ञानिक इसकी डिस्कवरी की थी तो वो बोल दिए भाई नील्स है, ठीक है, हम खोजेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये आपके बारे में, ये नील्स ग्रेन्यूल हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद यहाँ से फंक्शन देखेंगे, फिर बाय बोल देंगे, नमस्ते, ठीक। देखो, साइटान कंटेन मेनी फाइबर, मेनी फाइन फिंगर लाइक ब्रांचेज, बहुत सारे फिंगर लाइक ब्रांचेज होते हैं जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, जो भूतिया नुमा संरचना स्टार्टिंग में देखे थे वो सबसे टॉप वाले पोर्शन पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे, ठीक। ये था इसके बारे में, साइटान के बारे में। हम अब एग्जॉन के बारे में पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यू का काम पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जॉन क्या होता है, एग्जॉन इज ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ साइटॉन, मतलब क्या होता है, ए लॉन्ग प्रोसेस, मतलब साइटॉन रिसीव करता है और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है मैसेज को, ठीक है, ट्रांसफर करता है मैसेज को, डेंड्राइट। अब देखो क्या आती है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइड ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब क्या करता है, एक न्यूरॉन को यदि हम एग्जॉन क्या होता है, एक न्यूरॉन को ट्रांसफर दिया, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे लाखों न्यूरॉन क्या होता है हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं विद इन द कुछ ही सेकेंड के अंदर, मतलब कुछ सेकेंड, सेकेंड के मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर दो, उतना सेकेंड के अंदर क्या करते हैं, हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर कैरी करा देते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन एग्जॉन ऑफ फर्स्ट एंड टर्मिनल डेंड्राइड होता है नेक्स्ट, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक। ये था इसके बारे में, एग्जॉन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, फिर काम आपका पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यही जो दिया है, देखिए हम क्या बोले हैं, ये भूतिया नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक। इधर से भी मैसेज आ रहा है, इधर से भी मैसेज आ रहा है, इधर से भी मैसेज आ रहा है, ठीक। सारा मैसेज इधर से क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं डेंड्राइट, समझे, ये वाला जो नुमा संरचना है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। इसके अंदर जो भी ग्रेन्यूल है उसे हम क्या बोले, नील्स ग्रेन्यूल बोल रहे हैं। इसके अंदर जो भी लिक्विड है, देखो न्यूरो और प्लाज्म, प्लाज्म मतलब हमेशा कहीं भी रहे, यदि सेल के अंदर रहे तो साइटोप्लाज्म, यदि न्यूक्लियस के अंदर रहे तो न्यूक्लियोप्लाज्म, हमारा किसके नर्वस न्यूरॉन के अंदर है तो क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। यानी प्लाज्म मतलब क्या होता है, एक तरह का फ्लूड होता है, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो हमारा लिख सकते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू बोलेंगे, यहां से ई रहेगा, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक। अब देखो क्या करता है, एग्जॉन, एग्जॉन क्या होता है, ये जो मैसेज जा रहा है इसके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एग्जॉन इसके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, देखिए इसके पास भी न्यूक्लियस है और इसके सेंटर पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, यहां पर दिखा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से नीचे मान लेते हैं ये कोई मसल है, मसल हमारे शरीर का कोई भी एक अंग है, ठीक है, मसल इसे मान लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब होता है जो क्या करता है, यही हमारे इम्पल्स को क्या कर देता है, रिसीव करता है,
ठीक, ये था आपके डायग्राम के बारे में। और इसका फंक्शन हम देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। फंक्शन देखिए क्या पूछा, तू भाई इधर आ जा। फंक्शन देखो क्या दिया, नर्वस ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी प्लेस, मतलब क्या करता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ये मैसेज को कैरी के जाने का, कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम वगैरह सारा देख लिए हैं, ठीक। ये इसी तरह से हम देखा जाए टिश्यू का हमारा सभी पोर्शन खत्म होता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसे हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद देखने के लिए, आपका शुक्रिया।